चलगोजा 6,800 का किलो है, 1700 रुपए पाव बनेगा। पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, इन दो मुल्कों में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमत गुजार फहद हसन। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चिलगोज़ों का नाम सुना सुना लग रहा है, खाए तो अरसा हो गया है लोगों को, तो लिहाजा इस वक्त हम ड्राई फ्रूट की दुकान पर जाएंगे और हम उनसे पूछेंगे कि यार चिलगोज़े इतने महंगे क्यों हैं। अव्वल देखा जाए तो मैं चिलगोज़े को देखना भूल गया हूँ कि चिलगोज़े कैसे होते हैं, तो आप मेरे साथ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि चिलगोज़े कैसे होते हैं। इधर आए ज़रा मेरे साथ, आ जाए। हमने चिलगोज़े खाए, ये ड्राई फ्रूट की दुकान है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये ओनर है जी यहाँ के। और चिलगोज़े अभी इतना ड्राई फ्रूट भरा हुआ है, अब यकीन जाने मुझे वाकई नहीं पता कि चिलगोज़े कैसे होते हैं। देखे हैं मगर बचपन में देखे थे, तो लिहाजा भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर चिलगोज़े हैं आपके पास? हाँ यार हैं, क्यों नहीं है। ये कैसे होते हैं ये? ये 6,800 रुपए किलो है। नहीं, दिखने में कैसे होते हैं आप ये तो बताएं, मैंने कभी देखा नहीं है हाथ में पकड़ के। आप खा भी सकते हो? नहीं नहीं यार, ये माशाल्लाह यकीन करे ये चिलगोज़े है। अच्छा भाईजान, अगर 100 के हमने लेने हो? यार 100 के नहीं आएंगे, ये कैसी बात कर रहे हैं आप। कितने के? 50 के कर दे। ये कम अज कम 100 के आएंगे नहीं, 50 के कर दो, ये तो मजाक हो गया ना। नहीं ऐसे क्या रेट के इसका? चिलगोज़ा 6,800 का किलो है, 1700 रुपए पाव बनेगा, तो ये पाव से काम बंदा क्या लेकर जाएगा यार। यकीन करो, बकरा आ जाता है, ये छोटा लो ना तुझे, बकरा आ जाता है यार। लेकिन बकरे में वो जान नहीं है जो चिलगोज़े में है यार। मुझे आप बताइएगा बॉस, ये चिलगोज़े की क्या खासियत है, ये क्यों इतना महंगा है बाकी चीज़ों से? ये इस वजह से महंगा है, हमारे पूरे वर्ल्ड में ना, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, इन दो मुल्कों में होता है। अगर जितने मुल्क हैं उतने मुल्कों में उसकी तो फसल फिर ज़्यादा हो जाएगी ना, इस वजह से ये एक्सपोर्ट होता है, उस वजह से ये महंगा हो जाता है, इधर कम रह जाता है, तो इस वजह से ये महंगा बिकता है। वो कहते हैं ना चंगिया चीज़ा बाहर भेजी जाओ तो मंडिया जड़िया ने अपने कोरे बाहर जाना बंद हो जाए, इतने वेखो खरोटा के भाव बिकता है कि नहीं बिकता, ये बाहर जाता है इसी वजह से महंगा होता है। छोड़ो ना, नहीं सीरियस गल्ला ना करो, होंगे ना 50 रुपये का नहीं फाइन, 50 दियाँ तो दुआव ही मिलनगे, चिलगोज़ा नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं फिर भी कोई आके कस्टमर आते हैं वैसे चिलगोज़े लेने? हाँ भैया आते हैं, अल्लाह ताला ने सबका दिल बनाया हुआ है, वो बंदे नहीं करता, दिल के सब दे करते हैं, लेकिन 50 में दिल नहीं ना मानता चिलगोज़े का। सही हो गया। नहीं कस्टमर आके क्या कहते हैं, कितने के मैक्सिमम लेकर जाते हैं? यार देखो, अल्लाह ताला ने हर बंदे को अपने हाल में रखा हुआ है, कुछ बंदे ज्यादा भी ले जाते हैं, कुछ बंदे कम भी ले जाते हैं। 10-20 के? नहीं 10-20 के नहीं, मैंने आपको बताया 10-20 की तो चिलगोज़े की दुआ भी नहीं मिलनी। अच्छा, तो वो चिलगोज़ा चले 1000 का हो गया, पाव हो गया, आधा पाव हो गया, इस तरह चलता रहता है। यार आप कितने अरसे से यहाँ पर बैठे हैं? मुझे माशाल्लाह इधर हो गया 10-12 साल हो गए। 10-12 साल? ये पहले क्या रेट था 10-12 साल पहले और अब क्या रेट? 4-1 साल पहले से महंगा हुआ है, वरना इसकी रेंज 1600-2000-2400 होती थी, तब मिल जाता था 10-20 का भी। नहीं जब भी 100-50 का मिल जाता था, अब जरा रेट उससे दुगना तिगना हो गया है। अच्छा। अब नहीं 100 का वारा करता। नहीं तो आप कितने का देने है? आपने थोड़ा सा बताए तो सही यार। आप लो, मैं तो कह रहा हूँ कम से कम, मैं कहूँ सबसे एंड वाला रेट बताया जिसका मैं लेता भी अच्छा लगूँ। वो फिर 50 ग्राम आपको मिलेगा, 340 का। 50 ग्राम? हाँ जी। 340 का? 340 किलो मुर्गी है, यानी मैं ज्यादा कराई खावांगा। फाइन वो खा लो फिर। नहीं तो इसका मतलब ये बारे में नहीं आपके? ये इससे कम बारे ही नहीं खाया जी। तो नाजरीन जैसा कि आप देख सकते हैं ये चिलगोज़ा है, मैं खुद भी इसका दीदार कर रहा हूँ और आप भी इसका ये देखिए जी दीदार कर सकते हैं आप इसका। और ये गया अपने डब्बे पे, अपने पॉइंट पे चला गया जी। तो नाजरीन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चिलगोज़े का रेट जो उनसे है वो 6,800 रुपया रेट है, आसमानों की तरफ ये रेट है। बाकी चीज़ें तो आप छोड़ दें, बाकी जो महंगाई होनी थी हो गई, ये जो सी चीज़ें हैं ना, ये लोग बड़े बुजुर्ग एहतियातन हर किसी को कहते हैं कि ये गरीब बंदों की पहुँच से दूर रखें, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो किसी अमीर बंदे से रब्ता करें। तो लिहाजा आप उनसे खरीद सकते हैं जी। तो नाजरीन जैसा कि अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प सा टॉपिक है तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हमारे ऑफिशियल नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगर कोई मोटिवेशनल स्टोरी है या एनी काइंड ऑफ स्टोरी आपके पास मौजूद है जो आप चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई अनोखी चीज़ हो रही है, कोई अनोखी स्टोरी है जो हमें कैमरे में शो करनी चाहिए, तो हमसे रब्ता करें। इसी के साथ देखते रहिए लाहौरी जलवा फहद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।